से 6 दिन पहले कनाडा में आईएसआई और खालिस्तानियों की एक बड़ी मीटिंग हुई और इसमें भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का प्लान बनाया गया। आईएसआई के इस प्लान का नाम था प्लान के। कनाडा दुनिया का नया पाकिस्तान बन गया है, आईएसआई के लिंक और जितनी चीजें हमने बताई। पाकिस्तान में जो आईएसआई है उसमें जो खालिस्तान की सेल है उसका जो सरगना है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी। कनाडा में भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने की साजिश रची गई, पोस्टर प्रदर्शन बैनर लगाने का प्लान बनाया गया कि कनाडा अपने आप को नया ब्रिजहेड बना रहा है, भारतवर्ष की डिस्टेबलाइजेशन के लिए एक टेररिस्ट बेस बना रहा है। सामान्य क्रम, ये बात तो आप बखूबी जानते हैं कि भारत में पटाखा भी फूटता है तो फौरी तौर पर पाकिस्तान का नाम लगा दिया जाता है, खासकर पाकिस्तानी प्राइम खुफिया एजेंसी आईएसआई का, कि ये सब कुछ आईएसआई का करता धरता है। लेकिन ऐसा तो आपने भी नहीं सोचा होगा कि कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसका इल्जाम भी भारत पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगाकर कनाडा को दूसरा पाकिस्तान करार देगा। खालिस्तान मूवमेंट जब से शुरू हुई है तब से पाकिस्तान का नाम लिया जाता है कि इसके पीछे पाकिस्तान है या फिर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है। लेकिन अब की बार जो कुछ कनाडा में हो रहा है, जस्टिन ट्रूडू सारा कुछ काम कर रहा है उस पर भी पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में आकर ये सारा काम करने का इल्जाम अब भारत का मीडिया लगाता दिखाई दे रहा है। इन साहब जनरल जीडी बख्शी को तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जो अपने रोने धोने चीखने चलाने की वजह से दुनिया भर में काफी मशहूर है। आगे चलकर इन्हीं की जुबानी आपको सारी रुदाल सुनाएंगे कि इन्होंने एक फर्जी नाम कर्नल चौधरी भी निकाल दिया है जिसके जो कनाडा में बैठकर खुफिया प्लानिंग कर रहा है भारत के खिलाफ, और ये जितना कुछ कनाडा के जरिए भारत के खिलाफ हो रहा है और पूरी दुनिया अब कनाडा के साथ खड़ी होती नजर आ रही है, भारत को आइसोलेट किया जा रहा है, इस सब के पीछे कोई और नहीं, यही कर्नल चौधरी हैं जो कि आईएसआई के बलोच रेजिमेंट से ताल्लुक रखते हैं। अब चौधरी तो पाकिस्तान में एक कास्ट है, ना तो आगे कोई नाम बताया गया ना कोई पीछे कोई नाम बताया गया, सिर्फ एक कर्नल चौधरी का नाम लेकर प्रोपेगेंडा शुरू किया गया अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि भारत को जिस तरह आइसोलेट किया जा रहा है उसके भी पाकिस्तान का नाम लगाकर केस ही क्लोज कर दिया जाए कि पाकिस्तान चूंकि हमारा दुश्मन है इसलिए वो कनाडा को अपने साथ मिलाकर ये सारे काम कर रहा है। इसी वीडियो में आपको आगे चलकर डिटेल में सब कुछ बताते हैं कि किस तरह कनाडा को अब दूसरा पाकिस्तान करार देकर भारत दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जिस तरह कनाडा के जस्टिन ट्रूडो भारत के खिलाफ कार्रवाइयां करने पर तुले हैं इसके पीछे कोई और नहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ है। आइए आपको दिखाते हैं कि इस वक्त भारत में क्या कुछ चल रहा है। पाकिस्तान की भारत विरोधी, कनाडा और पाकिस्तान की भारत विरोधी साजिश का आप सबसे नया सबूत आपको दिखाते हैं। सूत्रों के मुताबिक अब से 6 दिन पहले कनाडा में आईएसआई और खालिस्तानियों की एक बड़ी मीटिंग हुई और इसमें भारत विरोधी प्रोपेगेंडा का प्लान बनाया गया। आईएसआई के इस प्लान का नाम था प्लान के। प्लान के बनाया गया आईएसआई और खालिस्तान के द्वारा मिलकर। इसमें कनाडा में भारत के खिलाफ लोगों को उकसाने की साजिश रची गई, पोस्टर प्रदर्शन बैनर लगाने का प्लान बनाया गया। वैंकूवर में खालिस्तानियों को आईएसआई की फंडिंग की गई और सोशल मीडिया में दुष्प्रचार की साजिश रची गई और उसका सबूत यहां पर है। ये सबूत मेरे हाथ में भी है, ये सबूत भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये सब कुछ हो रहा है। जनरल बख्शी, क्या पाकिस्तान बन गया है, नया पाकिस्तान बन गया है कनाडा? यही मैं आज सवाल पूछ रहा हूं, एक बार फिर से दोहरा देता हूं, क्या कनाडा दुनिया का नया पाकिस्तान बन गया है? आईएसआई के लिंक और जितनी चीजें हमने बताई, क्या कहना है आपका? इसमें दो कौड़ी शक नहीं होना चाहिए किसी को कि कनाडा अपने आप को नया ब्रिजहेड बना रहा है, भारतवर्ष की डिस्टेबलाइजेशन के लिए एक टेररिस्ट बेस बना रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें कनाडा की पाकिस्तान की आईएसआई की खासी सांठगांठ है। पाकिस्तान में जो आईएसआई है उसमें जो खालिस्तान की सेल है उसका जो सरगना है वो है लेफ्टिनेंट कर्नल चौधरी, ठीक है, सलील चौधरी 25 बलूच रेजिमेंट का था और अब वो खालिस्तान का डेस्क देख रहा है आईएसआई के अंदर। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स बना रखे हैं जो हमारा डायस्पोरा जो कनाडा में है, यूके में है, यूएसए में है, ऑस्ट्रेलिया में है, और यहाँ पे वो जो ड्रग तस्करों के जरिए, देखिए कोई भी जो सही जिसका दिमाग है वो कुछ भी खालिस्तान से लेना देना नहीं चाहते हमारे सिख भाई बहन, ठीक है, लेकिन उनको ड्रग के जो है चुंगल में फंसाकर उनको जो है ड्रग के जॉम्बी बनाकर
पाकिस्तान की ISI इस्तेमाल करना चाहती है। और हैरत की बात यह है कि कनाडा जो अपने आप को एक डेमोक्रेसी दर्शाता है, उसने तकरीबन ट्रेनिंग कैंप खोल रखे हैं। याद रहे वहीं से वैंकूवर से हमारे जो कनिष्क जहाज में एक्सप्लोजिव डाले गए थे, 331 जो नागरिक बेकसूर मारे गए, वो सब वहां पे खालिस्तानी टेररिस्ट इन्वॉल्व थे। और त्रिदेव साहब के जो फादर साहब थे, उन्होंने पनाह दी उनको, उन्होंने रिपुदमन सिंह वगैरह जैसों को पनाह दी वहां पे जी, ताकि वो ये टेररिस्ट एक्टिविटीज कर सके। लाइक फादर लाइक सन, बेटा भी अब उसी नक्शे कदम पे चल रहा है, सिर्फ चंद एक वोट पाने के लिए खालिस्तानी समर्थकों के। उसने तो अपनी जो है पूरी पॉलिसी नीति को सर पे खड़ा कर दिया है। फिर हमें वो पाठ पढ़ा रहा है ऑन रूल ऑफ लॉ। अरे साहब, क्या रूल ऑफ लॉ कहता है? यू सपोर्ट टेररिस्ट, यू आर्म टेररिस्ट, यू ट्रेन टेररिस्ट, यू सपोर्ट देयर ऑपरेशंस इन अ थर्ड कंट्री, ये रूल ऑफ लॉ है, ये इंटरनेशनल एक्सेप्टेड बिहेवियर है। अभी वो आए थे त्रिदाव साहब, उन्होंने खुद साइन की है दिल्ली डिक्लेरेशन अगेंस्ट टेररिज्म। यस, और ये साइन करने के बाद लुक एट द हिपोक्रेसी, वो जाके वहां पे अब ये इन सब लोगों को सपोर्ट दे रहे हैं जो 300 बेचारे मारे गए बेकसूर पैसेंजर। बिल्कुल, उसकी कोई फिक्र नहीं, एक टेररिस्ट के मरने की देखो कितनी फिक्र है इनको, निज्जर के मरने की तो आंसू रो रो के इनके थक नहीं रहे। खालिस्तानी आतंकियों की वजह से कनाडा के साथ भारत की तनातनी देखने को मिल रही है। खालिस्तानी आतंकियों के पीछे खड़े नजर आ रहे कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो सरकार की वजह से दोनों देशों के बीच काफी समय से तनातनी देखने को मिल रही है। जस्टिन ट्रूडो लगातार भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहे हैं, अपनी जमीन पर भारत के खिलाफ खालिस्तानियों के उकसावे को बढ़ावा भी देते नजर आ रहे हैं। इस बीच भारत सरकार ने कनाडा सरकार के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। भारत सरकार ने कनाडा के नागरिकों की वीजा सेवा रोक दी है, नई सूचना आने तक ये सेवा जारी रहेगी। इससे पहले दोनों देशों के बीच काफी समय से जारी व्यापार वार्ता को कनाडा सरकार ने टाल दिया था। दोनों देशों की तनातनी की वजह से व्यापार जगत में भी काफी हलचल है। हालांकि जानकारों का कहना है कि इससे कनाडा को काफी नुकसान होना है और कनाडा को नुकसान होने की शुरुआत भी हो चुकी है। तनाव के बीच आर्थिक जगत से आई एक खबर ने भारतीयों के साथ साथ दुनिया भर का ध्यान खींचा है। कनाडा में महिंद्रा एंड महिंद्रा की अनुषंगी कंपनी रेजन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने ऑपरेशन बंद करने का निर्णय लिया है।